हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शूके। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ एकदम फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ एंड उसके पीछे रीज़न यही है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उसे कैसे शूट करूँ, कब शूट करूँ। बट एनी हाउ मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी हो सके पोस्ट करने की और आप लोगों के साथ अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो जो आज का टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, मैं जो टॉपिक बनाने वाला हूं, जो वीडियो है वो मैं केयर होम पे बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें तो आपको भी जो असली सच्चाई है वो बाहर आए यूके में। तो स्पेशली केयर होम, जिसको नहीं पता क्या होता है मैं उसको बता देता हूँ। तो केयर होम में क्या होता है कि आप लोगों को जो जॉब्स मिलती हैं, काफ़ी जॉब्स होती हैं केयर होम में जिसका पे रेट काफ़ी अच्छा होता है, 14-15-16 पाउंड्स एक घंटे के मिलते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। और इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको असिस्टेंस देनी होती है, आपको हेल्प करनी होती है, आपको देख रेख करनी होती है। जितने भी पेशेंट होते हैं वहाँ पे, जितने भी लोग होते हैं जो चल नहीं पाते, कई लोग होते हैं जो मेंटली परेशान होते हैं और कई लोग होते हैं जो काफ़ी अलोन फील करते हैं और एजेड होते हैं, तो उन लोगों को वहाँ रखा जाता है और उन लोगों की रेख देख की जाती है। तो उसके लिए, उससे केयर होम जॉब्स बोलते हैं, जो यहाँ पे काफ़ी आसानी से तो नहीं बोलूँगा बट हाँ मिलती है और काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेफर भी करते हैं उसको करना। बट अभी मेरे को रिसेंटली एक मेरी फ्रेंड से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला जो कि केयर होम में काम करती है, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई, सच्चाई जो है रियलिटी है, बिकॉज मैंने कभी केयर होम में काम नहीं किया तो आई डोंट नो और मैं शायद कर भी ना पाऊँ। बट जो लोग करते हैं मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। बट जो लोग सोच रहे हैं जिन्हें नहीं पता कि, और जो लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं इस ये जॉब करने की, तो मैं उन्हें बता दूँ कि इस जॉब के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता है कि आपको किसी और की रेख देख करनी है, अगर आप ही को ठीक नहीं है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। और आपको बहुत चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं जिससे लोग भागते भी हैं पीछे, बट वो आपको करनी पड़ेगी। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा भी होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता है कि अगर आपके साथ जो पेशेंट है, अगर आपके साथ आपको कुछ भी करता है तो आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते वही सेम चीज़, अगर वो आपको मारता है या फिर कुछ भी। तो अभी मैं आपको एक रिसेंटली स्टोरी बताता हूँ। मेरी दोस्त है, वो केयर होम में काम करती है एंड शी कॉल्ड मी वन डे एंड शी सेड कि आई नीड अ जॉब और मैं काफ़ी परेशान हूँ यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मिलते हैं, मिलके बात करते हैं। एंड देन हमने जब बात करी तो उसने मेरे को बताया कि प्रॉब्लम क्या हो रही है जहाँ वो काम करती है उसके साथ, काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ पे फील सेफ नहीं कर रही, बिकॉज़ कह रही है कि काफ़ी जो पेशेंट हैं वो परेशान करते हैं। और उसके हाथ पे मैंने देखा और उसकी बॉडी पे काफ़ी स्क्रैचेस थे जो पेशेंट ने मार रखे होते हैं। तो वो जब भी हेल्प करने जाती है किसी की तो काफ़ी पेशेंट उसकी बॉडी पे स्क्रैच करते हैं और या फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो जो निशान होते हैं बॉडी पे आ जाते हैं। वो कह रही है कि मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ यहाँ से पे, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरी फिंगर खो गई है, मेरी फिंगर ला के दो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है पेशेंट की एंड आपको उससे डील करना पड़ता है, बहुत टफ होता है। तो दूसरी उसने चीज़ ये मेरे को ये बताई कि यार मेंटली से लेके और सेक्सुअली भी हरास किया जाता है, और कभी कभी मतलब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं विच इज़ नॉट राइट, वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट होता है। तो उस चक्कर में अपना माइंड हमेशा बना के रखे, अगर आप स्पेशली गर्ल हैं तो, अगर आप लड़की हैं तो उस, अगर आप केयर होम में काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और ये होती हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसका ध्यान ज़रूर रखें। ये सच्चाई है केयर होम जॉब्स की। केयर होम जॉब्स में पैसा है नो डाउट, आपको वीज़ा भी मिल जाता है, स्पॉन्सर भी करती हैं कंपनीज, बट इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज़ अगर आपके साथ कोई भी आपकी बॉडी के साथ स्क्रैच मारेगा या फिर आपको कुछ हार्म करने की कोशिश करेगा, कुछ मार भी सकता है, तो उस केस में बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसी भी नहीं है कि पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बॉडी को भूल जाना।
आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. सो केयर होम का ये सच है, तो मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि ये सच्चाई है और इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखें. अगर आप ऐसी जॉब अप्लाई करते भी हैं तो अपना माइंड मेकअप करके रखें, और बाकी तो आपके ऊपर ही है. तो बस यही वीडियो मेरे को बताना था, एक्सप्लेन करना था. बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखें. और कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो तो मुझे बताएं. आई ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट, कुछ भी होता है तो. बाकी चलो, टेक केयर एंड ध्यान रखें अपना सब लोग. बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं.